त्रिपुरा प्रदेश युव मोर्चार सम्मानित सभापति ए विशालगढ़ विधानसभा केंद्र माननीय विधायक श्रद्धेय सुशांत देव महाशय सह मंडल युव मोर्चार भाईरा ए राज्य उन्नयन कर्मजुग के समर्थन जान वंदे मातरम भारत माता की जय। तत्संगे वर्णाटर मध्य दिए अपना लिप्त थे मन रखें सर এখানে গুরগাবস্তি আটকে ধরতে রাখতে চায়, আর সে উন্নয়ন একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব মোর্চার সম্মানিত সভাপতি এ বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় সুশান্ত দেব মহাশয় সহ মন্ডলের যুব মোর্চার ভাইয়েরা এ রাজ্যের উন্নয়নের কর্মযুগকে সমর্থন জানিয়ে বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয়। তৎসঙ্গে এই বর্ণাটরের মধ্য দিয়ে আপনারা লিপ্ত থাকেন মনে রাখবেন স্যার এখানে গুরগাবস্তি আটকে ধরতে রাখতে চায়, আর সে উন্নয়ন একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। क्या बोलूं, आप ऑलरेडी सुन चुके हैं बांग्लादेश में क्या हाल है। वहाँ पर जिस तरह इस्कॉन, जिसको हम लोग मानते हैं, हमारा मैंने इस्कॉन का जो डिसाइपल है, ये लोग कितना मानते हैं इनको, और इनको कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। जो जिस तरह इनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, मेरे ख्याल से ये दुख की बात है और बांग्लादेश में ये होना नहीं चाहिए। मैं हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो ऑलरेडी बोल चुका है इस मामले में, और इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, और खास करके वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू जो जिनके ऊपर काफ़ी ये लोग आक्रमण कर रहा है, उनसे दूर रहे। मैं इनको अभी भी समय है, और ये मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए, और ये सबके लिए अच्छा रहेगा, बांग्लादेश का डेवलपमेंट के लिए भी। इंडिया बिना बांग्लादेश का डेवलपमेंट कभी भी संभव नहीं होगा। उनका देखिए जो GDP रेट जब बांग्ला इंडिया के साथ अच्छा रहा, कितना अच्छा हो गया, अब कहाँ पहुँच गया। और सबसे बड़ी समस्या है वहाँ, जिस तरह हम लोग वीडियो में देखा, जेल से जो टेररिस्ट थे जिनको ऑलरेडी हसीना जी के सरकार के टाइम में जिनको आइडेंटिफाई किया, ये लोग जेल से निकाल रहे आराम से। तो इनके लिए तो अभी चिंता का विषय है, ये लोग कहाँ हैं, इनका व्हेयर अबाउट्स कहाँ है, ये सोचने की बात है। तो इसलिए हम लोग भी चिंतित है, ये नहीं होना चाहिए। रैली से क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं 60% करीब करीब पूरा पॉपुलेशन का युवा है, तो ये युवा हमारे लिए ये प्राउड का बात है। तो इनका अगर हम लोग यूज कर सकते, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उनसे सजेशन भी मांगते हैं जो क्या करना चाहिए आने वाले दिन, और उस सजेशन के आधार पर और इनसे जो इनोवेटिव बहुत सारे चीज इनके दिमाग से जो निकलता है, हो सकता है बहुत लोगों में से नहीं आता है। तो हमेशा युव शक्ति को वो काफ़ी सम्मान देते हैं, प्यार भी करते हैं, और मैं भी यही चाहता हूं कि उनका जो मार्गदर्शन हमारा त्रिपुरा में जो युवा है ये एक साथ आए। और उन्होंने ये भी कहा कुछ दिन पहले, मैंने देखा मैंने भाषण में उन्होंने कह रहे थे कि जो जिनका कभी किसी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, ऐसा लोग भी जो युवा है ये पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो फैमिली बात जो बहुत पॉलिटिकल पार्टी का है, तो ये इससे भी पॉलिटिक मैंने फैमिली डायनेस्टी ये भी खत्म होगा।